विदेशी कंपनियों ने सूक्ष्म अध्ययन किया और देखा कि भारतीय इतने सुरक्षित कैसे हैं, तो उनने देखा कि घर का भोजन करते हैं, बाजार भी जाते हैं तो घर से लुचाई लेकर के जाते हैं। लुचाई समझते हो, बुंदेलखंड का शब्द है लुचाई, और बनियों की तो प्रसिद्ध है, वो पानी की भी बना लेते हैं और दूध की भी बना लेते हैं और तीन तीन तक खा लेते हैं। और ऐसी व्यवस्थाएं रहती हैं कि तीन दिन के लिए मान लो दिल्ली जा रहे हैं, बंबई जा रहे हैं, इवन अमेरिका तक जा रहे हैं, तो यहां से डिब्बा लचका लपटा खकड़िया पपड़िया का पैक रहता है और वहां तक जाकर के तीन दिन अपना काम करके चले आते। विदेशी सभ्यता पैदा हुई, रेडी टू ईट, हर जगह शुद्ध और पवित्र भोजन मिलेगा, 100% हाइजेनिक मिलेगा। और जहां उसने हाइजीन शब्द लगा, थोड़ा सा हमारे दिमाग का प्रकोप बढ़ा और हमने पिज्जा बर्गर चाउमीन इडली डोसा पास्ता पता नहीं दुनिया भर की कितनी चीजें स्वीकार कर ली। सभ्यता धीरे धीरे उन्होंने सबसे पहले कामेंद्री की बदली, और कामेंद्री की कैसी बदली कि सबसे पहले रसना इंद्री पर उन्होंने कुठाराघात किया और आपकी पूरी की पूरी भोजन शैली को बदल दिया। और भोजन शैली बदलने का परिणाम क्या हुआ बंधुओं, आप सुनोगे तो आपको आश्चर्य होगा। जिनके घरों में जोमैटो स्विगी के माध्यम से रोज बार बार पिज्जा आता है, बर्गर आता है, वो गोल सा एक टमाटर और ककड़ी डाल करके बना देते हैं, क्या कहते हैं उसको, कुछ भी कहते हैं, चाउमीन या मैगी जो भी कहते हो आप लोग जानो, बर्गर कहते हैं, तो वो जो बर्गर बना देते हो आप लोग खा लेते हो बुला लेते हो, उसमें कंटेंट क्या डाला है आप एक बार आपको बताएंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। सागर का एक मुस्लिम व्यक्ति है जो हम लोगों से जुड़ा हुआ है, क्या नाम है उसका, शफीक खान, जो अहिंसा अवार्ड से उसको भगवान महावीर स्वामी के 25वें निर्वाण महोत्सव में अहिंसा अवार्ड से उस मुस्लिम को सम्मानित किया गया। वो शफीक खान हम लोगों के पास आया निरंतर 3 महीने का सर्वे करने के बाद उस भोजन में, और भोजन को उसने जितने भी पिज्जा बर्गर चाउमीन पेस्टी थी इसको लेबोरेटरी टेस्ट करा करके उसमें वो निरंतर लगा रहा, और आकर के उसने जो आश्चर्यकारी घटना हमको सुनाई हम सुन करके दंग रह गए। और आज उस ब्रह्मचर्य के विषय पर वह घटना बहुत प्रासंगिक और जरूरी है। शफीक खान ने आकर के हमसे कहा, महाराज, हमने कहा कैसे भाई कैसे आए, बोले बस आपका आशीर्वाद लेने आया और 50-70-80-100 पन्ने की ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आपके चरणों में रखने आया हूं। हमने कहा क्या है इसमें, इसमें पिज्जा बर्गर चाउमीन पेस्टी और स्विगी और जोमेटो से आने वाले सारी विदेशी संस्कारों के भोजन की एक लिस्ट है और उसका अन्वेषण है। वो अन्वेषण क्या है कि उन्होंने बताया, महाराज आजकल बेटियों का विकास उम्र से पहले हो रहा है, 8 साल की 7 साल की बच्ची वयस्कता के सारे अंग उपांग को लेकर के आज समाज के बीच में खड़ी होने लगी। 11 साल की बेटी को देख करके, लड़के को देख करके कभी लगता नहीं कि 11 साल की है, ऐसा एहसास होता है कि ये 16 साल या 17 साल की हो गई है। कभी उससे पूछो कौन सी क्लास में पढ़ती हो तो 17 साल की दिखने वाली बच्ची बोलती, जब बोलती है कि 6th क्लास में पढ़ते हैं, 7th में पढ़ते हैं, तो देख करके सुन करके बड़ा आश्चर्य होता है। इसके पीछे एक साजिश है। क्या साजिश है? पहले तो मां बहनों का, बेटियों का यह औदारिक शरीर इस तरीके से विकास को प्राप्त नहीं होता था, लेकिन पिछले 15-20 सालों में इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ आ गई। उस ग्रोथ का कारण उसने जब अपने वैज्ञानिक तथ्यों के साथ बताया तो आंखें फटी की फटी रह गई। वो कहता है कि जो गाय को इंजेक्शन लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन दूध निकालने के लिए, वही इंजेक्शन का आधा इंजेक्शन लगाया जाता है उस मां बहनों को जब वो गर्भ प्रसव करना चाहते हैं, तो उस प्रसव की पीड़ा से और उस प्रसव सुरक्षित हो जाए तो उसी गाय के ऑक्सीटोसिन इंजन की आधी इंजेक्शन को बहनों या मां के शरीर में प्रवेश करके और पेन किलिंग करके उनके प्रसव को कराने की व्यवस्था ये मेडिकल वाले करते हैं। उसी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के कंटेंट को पिज्जा बर्गर चाउमीन और इन चीजों में मिला करके लोगों को खिलाया जा रहा है, मुंह से खिलाया जा रहा है। हां, उसी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को मुंह से पिज्जा बर्गर जैसे कंटेंटों में, जो आपके यहां 411, 433 जो ई नंबर्स लिखे रहते हैं, जिनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होती, उनकी जानकारी को एकत्रित करके जब शफीक खान ने रिपोर्ट रखी तो वो इस बात को कह करके भौचक्का रह कर दिया हमको। वो कहता है उसी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का कमाल है
कि जो बच्चे सबसे ज्यादा पिज्जा बर्गर चाउमीन और विदेशी सभ्यता के जंक फूड इवन ब्रेड और बिस्किट तक इवन टमाटर सॉस तक लौकी उसको थोड़ा सा रात में लगा देते हैं, दिन में वो बड़ी निकलती है और बाजार में बिकने के लिए रोज उपस्थित हो जाती है। उस ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का ये कमाल है महाराज कि जो पीढ़ियां इस भारतीय संस्कृति में 14 साल 15 साल की उम्र में बड़ी होनी चाह रही थी वो आज 8 साल की उम्र में बड़ी हो जाती है। 9 साल की उम्र से उनको शुद्धि और अशुद्धि का विवेक सिखाना पड़ता है जबकि उनकी मानसिकता तैयार नहीं होती लेकिन शरीर पूरा तैयार कर दिया जाता है उस ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के माध्यम से। और उस ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को वो लोग इस जंक फूड में मिला करके परोसते हैं जिससे क्या होता है कि उनकी इंद्रियों की लिप्साएं छोटी उम्र में बड़ी हो जाती हैं और बच्चा एक ही बात कहता है तुम्हारी इस घर की जली और सड़ी रोटी से अच्छा तो हमारा 50 रुपए का पिज्जा या बर्गर है, दो लोग मिलाते हैं और आराम से खा लेते हैं। लेकिन बंधुओं जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सबसे पहले इस रसना काम इंद्री के ब्रह्मचर्य के बारे में हमको आज चिंतन और मनन करना होगा बंधु। यहां तक उसकी रिपोर्ट सफीक खान की रुकी नहीं, सफीक खान ने जो दूसरी और गहरी और बहुत बड़ी बात कही उस बात को सुनकर के आपके मस्तिष्क के सारे तंतु छार छार हो जाएंगे बंधु। कहने में भी मुझे शर्म आती है लेकिन नहीं कहूं तो और ज्यादा शर्मिंदगी आपके जीवन को देख करके मुझे होगी, इसलिए मुझे वो बात भी कहनी पड़ रही। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के बाद सफीक खान ने दूसरी बड़ी बात बताई, महाराज शरीर को उत्तेजित करने के लिए कुछ दवाइयां आती हैं, कुछ इंजेक्शन आते हैं, कुछ गोलियां आती हैं और कुछ लिक्विड आता है। महाराज हमको तो पता नहीं था, हमने तो कभी ना देखा ना जाना ना परखा। उसने हमको जो बात बताई कि जितना बड़ा शैंपू का पाउच होता है इतना बड़ा ही शरीर को उत्तेजित करने का लिक्विड आता है, 18 रुपए का मात्र एक पाउच। उसमें फ्लेवर रहते हैं, ऑरेंज का रहता है, एप्पल का रहता है, बनाना का रहता है, बिस्किट का रहता है। पानी में घोला और घोल करके पी गए और पीने के 15-20 मिनट 25 मिनट के बाद जो है शरीर के जितना भी रक्त प्रवाह है उन स्त्रियों के पुरुषों के उन जननांगों की ओर दौड़ता है जिसके माध्यम से उनको काम की वेदना उत्पन्न होती है और उस वेदना में वो इतने पागल हो जाते हैं कि कई बार तो बच्चे अपने कपड़े तक फाड़ देते हैं। अब उसने ये जो और भयानक बात बताई कि इस तरीके के लिक्विड का प्रयोग लोग भोजनों में मिला करके और बड़े बड़े स्वीट्स कॉर्नर में और बड़ी बड़ी जो आपके यहाँ रेस्टोरेंट और नेशनल फूड्स के रहते हैं ना, गहरे का है या फिर दूसरी चीजों का है, तो आप जहां भोपाल में जाएंगे या फिर कहीं और जाएंगे देखेंगे फास्ट फूड पिज्जा बर्गर चाउमीन डोसा मसाला मार्केट से मात्र आप निकलो और उसकी जो भाप आती है उसकी जो खुशबू आती है उससे जिसकी खाने की इच्छा नहीं होती उसके भी खाने के भाव हो जाते हैं। घर से शुद्ध भोजन करके चला और मार्केट में जाकर के फिर एक डोसा अंदर करके चला आया, फुल्की खा करके चला आया। उसके पीछे का एकमात्र कारण है महाराज कि वो कामोत्तेजक जो दवाइयां थी वो आजकल के लोग इन कंटेंटों में मिला करके लोगों को खिला रहे हैं। इससे असमय में शरीर विकसित हो रहा है और मानसिकता का उद्धार नहीं हो पा रहा। मानसिकता तो उतनी है 6 साल की बच्ची की, शरीर है 14 साल की बच्ची का। मानसिकता उतनी है 8 साल के लड़के की, शरीर हो गया 17 साल 16 साल के बच्चे का। ऐसे लोगों का शोषण करके वल्गैरिटी फैला करके इतने सारे वीडियो बना दिए जाते हैं, संसार में अपलोड कर दिए जाते हैं, लोगों को दिखाया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। इसका सबसे बड़ा परिणाम जब आप कलकत्ता में जाकर के देखेंगे तो वहां का जो सबसे प्रसिद्ध रेड लाइट एरिया है वो इस तरीके की 16-14 साल की कन्याओं से भरा पटा है। क्या समझते हो बंधुओं, करीब 20,000 ऐसे वर्कर्स हैं जो वहां पर जाकर के देह का व्यापार करते हैं। उसकी शुरुआत होती है आपके जंक फूड से। और आप कहते हैं कि महाराज हमारा बच्चा पढ़ने के लिए गया है वो जंक फूड नहीं छोड़ पाएगा, पिज्जा बर्गर ब्रेड बिस्किट नहीं छोड़ पाएगा। हम बार बार चिंतन करते हैं जब ये बेटी है या बेटा है असमय में तुम्हारे जंक फूड्स को खा करके बड़ा होगा और तुम्हारे घर के अंदर ये जो बड़ा विप्लव मचाएगा उस दिन के लिए कौन जवाबदार होगा। तुम तो इतने अंधे हो कि पैक्ड आइटम में क्या लिखा है बिना पढ़े मुंह के अंदर डाल लेते हो। बिना पढ़े क्या कभी पैक्ड आइटम का पैकिंग का वो कंटेंट पढ़ा है?
जिसको सरकार ने लिखने के लिए जरूरी कर दिया कि आपको छापना ही पड़ेगा, जनता खरीदेगी लेकिन पढ़ के पड़ेगी, लेकिन हमारी तो मति मारी गई है, हम स्वाद के लोभी, हम क्या जाने कि इसमें क्या लिखा है, उसको खाते हैं और अपने संसार में अब्रह्म की इतनी बड़ी परिभाषा लिख रहे हैं बंधु इस रसना इंद्री के माध्यम से। आप कभी कल्पना करिएगा कि जो अपनी रसना इंद्री को कंट्रोल में नहीं कर पाया वो अपनी काम इंद्री को कैसे संयुक्त करता रहे। आचार्यों ने इसलिए साधु के लिए बार बार कहा, उबला खाओ, सादा खाओ, ऊनोदर करो, उपवास करो, उसके बाद भी मन का नहीं मिलेगा, ठंडा मिले, गरम मिले, जैसा मिले लेकर के आओ और उसमें राग द्वेष नहीं करो, तब जाकर के तुम्हारे जीवन में अहिंसा भूतानाम जगत विदितम ब्रह्म परमम की पर्याय घोषित होगी। और तुम्हारे जीवन में क्या होगा, तुम्हारा जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा, सोचो तो। अपने बच्चों के बारे में माता पिता हो, संतान पैदा करी है, उसकी शादी की चिंता है, लेकिन उसके संस्कारों की चिंता भी थोड़ी सी होनी चाहिए। उन जवान बेटियों को, बहनों को जो मेरा उद्बोधन सुन रही है, यहां पर सुन रही है या यूट्यूब में सुन रही है, उनको एक बार तो इस बात के लिए क्लिक करना चाहिए महाराज कि इस भोजन को करते हैं उसके बाद हमारी वासना थोड़ी और तीव्र हो जाती है, उसका कारण हमें आज पता चला। और ये रिपोर्ट हमारे पास तो 3 साल पहले चली आ गई थी, और वो आज भी सभी खान जगदलपुर के छत्तीसगढ़ के बियाबान जंगलों में इस तरीके की अहिंसा का प्रभावना मुसलमान होकर के कर रहा है।